मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर सीबीएसई साइंस 10th क्लास। इसमें अब चैप्टर नंबर थर्ड है, ये तीसरा वीडियो है। इसमें अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, ठीक है ना, यानी कि मेटल्स की प्राप्ति, मेटल्स को कहाँ से कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, वैसे आप जनरली जानते ही हैं कि द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल्स हैं उनका एक तरीके से मेजर जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है कि अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, यानी कि अर्थ क्रस्ट में इसको अपन खोद करके, है ना, और क्या है कि मेटल्स को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, ओके। अब एक चीज आती है मिनरल्स, ठीक है ना। मिनरल्स क्या होते हैं वो देखिए, जो अपन अर्थ क्रस्ट से खोद करके निकालते हैं, जिनसे अपने को मेटल्स क्या करने हैं, ऑक्यूरेंस करनी है, ठीक है ना, उस मटेरियल को ही क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं मिनरल्स, क्या कहते हैं मिनरल्स, जो अपन क्या है कि अर्थ क्रस्ट से खोद करके निकालते हैं, ठीक है ना। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, मतलब कि अर्थ क्रस्ट से प्राप्त जो नेचुरल, ठीक है ना, जो क्या है कि मतलब अपन ने खोद करके निकाला है, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि मेटल्स होती हैं या मेटल्स के कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, उनको अपन क्या कहते हैं मिनरल्स कहते हैं, क्या कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। ये तो मिनरल्स हुए। अब आपकी एक और चीज है ओर्स, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है ना, ओर्स, ठीक है, ये ओर्स क्या है, इन ओर्स दोनों में क्या है कि मतलब आपको एक जनरली वर्डों में समझा दो, मिनरल्स अपन इस बात को जानते हैं कि मेटल्स को अपन क्या है कि अर्थ क्रस्ट से खोद करके निकालते हैं, ठीक है ना, किससे खोद करके निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट को खोद करके निकालते हैं, ठीक है ना। अब जिन जो अपन ने खोद करके निकाले हैं उनमें मेटल्स प्रेजेंट हैं, है ना, या मेटल्स के क्या है कि मतलब कंपाउंड प्रेजेंट है ना, इसके सब्सटेंस हैं, ठीक है ना, तो ऐसे सारे मतलब क्या है कि उस कच्चे माल को, है ना, रॉ मटेरियल को जो अपन ने खोद करके निकाला है अर्थ क्रस्ट से, उसको अपन क्या कहेंगे मिनरल्स, ठीक है ना, ओके। जबकि ओर्स क्या है, ओर्स भी एक प्रकार के मिनरली है, मिनरली तो है, ओर्स भी मिनरली है, मगर डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखना है आपको। मान लीजिए कि आपने यहां पर ये अर्थ क्रस्ट को खोद करके कुछ ये क्या है कि मतलब आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल लाए हैं खोद करके, अब इसमें क्या है कि इसमें सभी प्रकार के मेटल्स हो सकती है ना, इसमें मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये जो ये है ये सब्सटेंस ये आयरन के लिए है, मान लीजिए कि ये आयरन कार्बोनेट है, ठीक है ना, ओके, फिर इधर से क्या है कि आयरन कार्बोनेट है, इधर से मान लीजिए कि ये क्या है कि एल्यूमिनियम का सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम वाले का, ठीक है ना, एक मान लीजिए कि ये सोडियम वाले का है, ठीक है ना, ये NaCl है, तो ऐसे मतलब क्या है कि सभी मेटल्स के उसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब क्या है कि उसके अंदर उस रॉ मटेरियल के अंदर उसके सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो इसको तो सभी को मिला करके ऐसे रॉ मटेरियल को अपन क्या कहेंगे मिनरल कहेंगे, ठीक है ना। मगर अब अपन ने क्या किया कि इसमें से किसी एक पर्टिकुलर मेटल्स के मतलब क्या है कि इस कंपाउंडों को अपन ने छांट करके अलग कर लिया, मान लीजिए कि इसमें से अपन ने आयरन आयरन वालों को अलग कर लिया, अब ये सारे आयरन वाले ही हैं, है ना, ये आयरन के मेटल के लिए ही सब्सटेंस है ओनली, तो ऐसे मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिनमें केवल एक ही मेटल्स की मिलने की क्या है कि प्रायोरिटी रहती है, ठीक है ना, वो किसी एक मेटल्स के लिए ही होते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को अपन क्या कहते हैं ओर्स कहते हैं, ठीक है ना, और इसी ओर्स से ही फिर इसी से अपन क्या करेंगे आयरन को एक तरीके से एक्सटेंज करेंगे, है ना, आगे पास में मतलब क्या है कि खोद करके निकाले सभी प्रकार के मेटल्स का रॉ मटेरियल है उसमें, ठीक है ना,
अब अपन क्या है कि अलग अलग मेटल्स के हिसाब से उनको अलग अलग कर लेंगे। आयरन वाला अलग कर लिया, सोडियम वाला अलग कर लिया, एल्यूमिनियम वाला अलग कर लिया, और जिंक वाला अलग कर लिया, गोल्ड वाला मटेरियल्स अलग कर ली, वो वाला अलग कर लिया, ठीक है ना। तो सभी को मिला करके तो अपन ने जो खोद करके निकाला है उसको तो अपन कहेंगे मिनरल्स, और जो अपन ने क्या है कि पर्टिकुलर मेटल्स के लिए अलग अलग कर लिए हैं उनको कहेंगे अपन मतलब क्या है कि ओर्स, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, दोज मिनरल्स, मतलब ये भी मिनरल्स ही हैं, ठीक है ना, मगर ये मिनरल्स कौन से हैं, दोज मिनरल्स इन विच अ पर्टिकुलर मेटल्स प्रजेंट, यानी कि पर्टिकुलर मेटल प्रजेंट होती है, है ना, आर कॉल्ड ओर्स, उनको क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, ठीक है। दोज, या दूसरी डेफिनेशन, दोज मिनरल्स इन विच प्योर मेटल कंपाउंड प्रजेंट आर कॉल्ड ओर्स, मतलब कि जिसके अंदर एक कोई भी प्योर मेटल जो है ना उसी के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उनको ओर्स कहते हैं, है ना। एन ओर्स कंटेनिंग कंटेंस अ गुड परसेंटेज ऑफ मेटल्स एंड देयर आर नो ऑब्जेक्टिव नेबल इंपॉर्टेंट इंप्योरिटीज, ठीक है ना, जिसके अंदर मतलब किसी प्रकार की अदर इंप्योरिटीज नहीं होती हैं और जिसके अंदर केवल जो वो पर्टिकुलर जो मेटल्स हैं उसका क्या है कि परसेंटेज मतलब कि ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं अपन, ओर्स कहते हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, मतलब क्या है कि जो जितने भी ओर्स हैं ना ये सारे ही क्या है कि मिनरल्स हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है ना, मगर ये मिनरल्स ओर्स नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। आगे बात समझो, क्योंकि देखो मिनरल जो ओर्स है ना वो सारे ओर्स क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, मगर के सारे ये मिनरल्स जो है ना ये ओर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ओर्स ओनली फॉर द पर्टिकुलर मेटल सब्सटेंस। ओके, ये समझ में आ गए होंगे ओर्स और मिनरल्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, है ना। तो डेफिनेशन लिखने और एग्जांपल लिखना है, केवल एक नंबर में डिफरेंस पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स, ठीक है ना। ओके, तो मिनरल्स तो जो अर्थ क्रस्ट से खोद करके निकाले हैं ऐसे जिनमें मतलब मेटल्स के सब्सटेंस होते हैं और जिनसे अपन उनको ऑक्युरेंस करते हैं, ठीक है ना, उनको अपन क्या कहते हैं, उन सभी मेटल उनको क्या कहते हैं अपन, उस रॉ मटेरियल को मिनरल्स कहते हैं, ठीक है ना। जबकि ओर्स किसको कहेंगे, वे सब्सटेंस जो क्या है कि पर्टिकुलर मेटल्स के लिए ही है, केवल एक पर्टिकुलर मेटल्स के लिए, तो ऐसे सब्सटेंस उसको क्या कहेंगे, ऐसे रॉ मटेरियल को क्या कहेंगे अपन, ओर्स कहेंगे, एग्जांपल लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे आप मिनरल्स में लिखेंगे तो मिनरल्स में तो आप क्या है कि मतलब यहाँ पर NaCl भी लिख देंगे, है ना, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लिख देंगे, इधर से क्या है कि जो जिंक कार्बोनेट है वो भी लिख देंगे, इन सभी को मिला करके अपन क्या कहेंगे, मिनरल्स। जबकि इधर की तरफ अपन ओर्स में लिखेंगे ना तो जैसे ये NaCl, ये ओर्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना, ये ओर्स ऑफ सोडियम ऐसे लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर है ओनली किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है ना। आगे बात समझे, इसी तरीके से ये AlCl3, इनको तो एक साथ ही लिखेंगे इधर, मगर इसको लिख करके अपन फिर इसके लिए क्या कहेंगे, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अगर बात समझे तो पर्टिकुलर नाम देंगे इधर की तरफ। ओके, इस तरीके से एक दो एग्जांपल आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है एक्सक्रेशन ऑफ मेटल, ठीक है ना, मतलब मेटल्स का परिष्करण एक तरीके से, किस तरीके से इनको अपन क्या है कि एक्सक्रेशन करेंगे, ठीक है ना, एक्सक्रेशन करेंगे वहां से मतलब कि ओर्स में से किस तरीके से इनको अलग करेंगे। तो इसके लिए मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स को कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे कहां से, ओर्स से, ठीक है ना, उनके ओर्स से, जिनमें वो मतलब कि मेटल्स पर्टिकुलर मेटल्स प्रेजेंट होती है, उन ओर्स से उनको क्या है कि
मतलब क्या है कि एक तरीके से प्योर किया जाएगा, यानी कि ये प्योरिफिकेशन है ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो अब इसके लिए कुछ मतलब कि मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स को आपको यूज मतलब कि ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। द ऑब्टेंड मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है ना। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नाउन एज मेटलरी। थ्री मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स, मतलब कि तीन क्या है, एक मतलब स्टेप इन्वॉल्व है। अब वो तीन स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व है, पहला ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन का सांद्रण, ठीक है ना, यानी कि जो ओर्स हैं उनका सांद्रण जो मेटल पर्टिकुलर मेटल्स के लिए है, ठीक है ना। दूसरा मेथड है कन्वर्जेशन ऑफ कंसंट्रेट ऑर्स इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है ना, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, है ना, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल या रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये है, ये तीन स्टेप है। अब इन तीन स्टेप को आपको समझना थोड़ा क्या है कि मामला पेचीदा होगा यहाँ पर, मगर इसको समझने का प्रयास करना आप, ठीक है ना। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको कि सबसे पहले अपन ओर्स जो है ना उनको कंसंट्रेट करेंगे, कहाँ से, मिनरल्स में से, क्योंकि मिनरल्स जो है ना उसके अंदर तो बहुत सारी मेटल्स के क्या है कि मतलब सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आयरन को ही अपने को क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। तो इसमें से केवल उस मिनरल्स में से आयरन के केवल जो कंपाउंड है ओनली उनको इसमें से अलग कर लेंगे, यानी कि ये आयरन का ओर्स अलग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर जो मेटल्स है उसके ओर्स को मतलब उस मिनरल्स में से मतलब निकालना, ठीक है ना, अलग करना, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। मान लीजिए कि फॉर द, यहाँ पर अपन क्या है कि मतलब आयरन के लिए, अगर आयरन के ओर्स को मिनरल्स में से अलग करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीके से जो मैग्नेटिक मेथड है उसको यूज करेंगे। किसको करेंगे, मैग्नेटिक मेथड को। मैग्नेटिक मेथड में क्या होता है कि इस तरीके से एक मशीन मतलब क्या है कि जिसको अपन क्या है कि जनरली आप आटा पीसने की जो चक्की है ना उस तरीके से देखिए, जिसके ऊपर क्या है कि इस तरीके से एक पट्टी चढ़ी रहती है जिसको अपन पट्टा कहते हैं वह, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे अपन, इस तरीके से उस मिनरल्स को इसके ऊपर डालेंगे, इस पट्टे के ऊपर, ठीक है ना, इसको घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, और साथ में इधर की तरफ जो एक व्हील है ना, इन दोनों व्हील में से, ठीक है ना, जो दूसरी वाली व्हील है इस व्हील को अपन मैग्नेट की रखेंगे, कहीं की रखेंगे, मैग्नेट की, ठीक है ना, कहीं की रखेंगे, मैग्नेट की। अब यहां से क्या डलेगा, ओर्स डलेगा, मतलब मिनरल्स को डालेंगे, है ना। अब मिनरल्स को डालने पर ये क्या है कि मिनरल्स इधर की तरफ जाएगा,
ये घूम रहा है, ये पास्टली इधर की तरफ फेंकेगा इनको, तो फेंकने पर क्या होगा कि जो आयरन के वाले जो सब्सटेंस होंगे वो तो क्या है कि नज़दीक गिर जाएंगे, और जो विदाउट आयरन वाले होंगे ना वो क्या है कि दूर की तरफ गिरेंगे। इससे क्या होगी, दो डेरियाँ बन गई, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो पास वाला है ना, ये आयरन सब्सटेंसों की एक तरीके से उनका ढेर है, ठीक है ना। और ये जो अदर हैं, मतलब जो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है ना, ओनली अपने को आयरन वाले चाहिए, तो ये वो वाले हैं। और ये नहीं चाहिए थे या बेकार के जो हैं वो, या अदर मेटल्स के हैं, वो उनको आगे का काम है उनका, ठीक है ना, वो अलग हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेथड क्यों यूज किया गया, क्योंकि अपन जानते हैं कि आयरन जो है वह मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, एक तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड यूज करके जो कहें कि ओर्स हैं उनका कंसंट्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अभी मान लीजिए कि जो कॉपर है ना, उसके लिए जो एक तरीके से फ्लेम फ्लोटर, ये फ्लोटिंग जो क्या है कि मतलब जाग पल्लवन जो है ना वो मेथड यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग मेटल्स के ओर्स को मिनरल्स में से अलग करने के लिए अलग अलग डिफरेंट क्या है कि मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जनरल बात यहाँ पर ये है कि मिनरल्स में से पर्टिकुलर मेटल्स के सब्सटेंसों को अलग करना, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता है, ठीक है ना। एक तो ये है, दूसरा अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स समझ में आ गया आपके, ठीक है ना। तो इसको तो अपन हटा देते हैं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को। तो अब दूसरा आपके पास में मेथड क्या है कि अपन क्या है कि मान लीजिए कि अपने पास में दूसरा मेथड ये है, तीन मेथड के तीनों मेथडों को मैं इधर इस तरीके से कर देता हूँ, ये दो तीन तीन ये बना देता हूँ। यहाँ पर तो है कंसंट्रेशन ऑफ, इनको आप अच्छी तरीके से देखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो मिनरल्स हैं उनमें से अपन किसी भी पर्टिकुलर जो मेटल्स हैं उसके क्या है कि कंपाउंड जो क्या है कि उनके सब्सटेंस हैं उनको वहाँ से अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में अपन क्या है कि पर्टिकुलर मेटल्स के जो क्या है कि वो सब्सटेंस हैं उनको अलग करने के बाद उनको ले लेते हैं अलग, ठीक है। उसके बाद में ये तो अपना फर्स्ट मतलब क्या है कि स्टेप होता है जिसमें अपन ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, कहाँ से मिनरल्स में से, क्योंकि मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने को उन सभी को छोड़ना है कि और उन्हीं मेटल्स के सब्सटेंसों को लेना है जिसको अपने को रिफाइन करना है, ठीक है ना। यानी कि आगे का स्टेप उसी के लिए फॉलो करना है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट की, अपने टेंथ क्लास में वैसे क्या है, टेंथ क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और आगे से अपने को कोई मतलब नहीं है। और आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तब उस हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने टेंथ क्लास के हिसाब से यही है केवल, ठीक है ना। तो आपको टेंथ क्लास के हिसाब से ये इतना सा ध्यान रखना है कि जो मेटल ओर्स होते हैं और अर्थ क्रस्ट में जो मेटल के ओर्स मिलते हैं ना, वो ये तीन सब्सटेंसों के फॉर्म में मिलते हैं। तीन सब्सटेंसों का मतलब क्या है कि मेटल सल्फाइडों के फॉर्म में मिलते हैं, मेटल कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। और फॉर्म में भी मिलते हैं, मगर अपन यहाँ पर जो इस स्टेप के लिए, इस परफॉर्म इसके लिए जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो अपन ये आपके टेंथ क्लास की बुक में इन्हीं के ही बारे में बात की गई है, तो अपन इन तीनों की ही बात करेंगे केवल, ठीक है ना। तो मतलब आप ये समझिए कि आप तो औरों को तो छोड़ दीजिए, आप इस बात का ध्यान रखिए कि केवल जो मेटल ओर्स होते हैं वह जनरली अर्थ क्रस्ट में इन तीन सब्सटेंस फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म में, मेटल कार्बोनेट फॉर्म में और मेटल सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है ना। इस फॉर्म में मतलब ये क्या है कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में उन ओर्स को कंसंट्रेट कर लिया। अब अपन सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप ये कहती है अपनी कि जो कंसंट्रेट जो क्या है कि मतलब एक तरीके से ओर्स हैं उनको अपन कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये कन्वर्ट है, ठीक है, कन्वर्ट ऑफ कंसंट्रेट ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि इस मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। किनको, इन जो कंसंट्रेट ओर्स हैं इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में रह जाएगा, इसको तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं।
मगर अब इनको मेटल ऑक्साइड में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ये तो ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा मेटल ऑक्साइड में, ठीक है ना। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर यानी कि मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास में दो एक मतलब कि मेथड है, दो मेथड है। तो दो मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में ध्यान दीजिए। एक तो है रोहास्टिंग, क्या है रोहास्टिंग, और एक दूसरा है कैल्सिनेशन, ठीक है ना। तो जो क्या है कि रोहास्टिंग है वो ओनली यूज किया जाता है किसके लिए, मेटल सल्फाइडों के लिए रोहास्टिंग को, रोहास्टिंग ये ए है रोहास्टिंग, ठीक है ना। और इधर से जो मतलब क्या है कि मेटल कार्बोनेट है उनके लिए कैल्सिनेशन उपयोग किया जाता है, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग है क्या, इनके बारे में अपन अभी बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब आप इतना ध्यान दीजिए कि पहले तो अपन कंसंट्रेट करते हैं ओर्स का, जिस किसी पर्टिकुलर मेटल्स को अपने को प्राप्त करना है उस उनके ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, उनको उन मिनरल्स में से अलग कर लेते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि ओर्स जनरली ये तीन प्रकार के होते हैं मेटल्स के, ठीक है ना, मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड। इनको अपन क्या करते हैं फिर सेकंड जो स्टेप है उसमें, फर्स्ट स्टेप तो हो गई कंसंट्रेट करना ओर्स को, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि जो ओर्स हैं आपके पास में उनको अपन क्या करेंगे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में। तो पहले अपन इन स्टेप की बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों को बाद में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। मेटल ऑक्स, अब आप ये समझ लीजिए कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू अपन ने क्या कर लिया, इन मेटल सल्फाइडों को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, मेटल कार्बोनेट को भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और मेटल ऑक्साइड में ही है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब अपन चलेंगे, ये हो गया काम, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद अपन क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे मेटल की। तो रिफाइनिंग कराने के लिए ये मेटल ऑक्साइड जो है ना, इन मेटल ऑक्साइडों का सभी का ही, अब अपन यहाँ पर एक तरीके से इसको कॉमन फॉर्म में लिख देते हैं सभी को, यानी कि ये सारे मेटल ऑक्साइड ही तो हैं, ठीक है ना, सारे मेटल ऑक्साइड ही। तो अब इस मेटल ऑक्साइड के क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो मेटल है एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो मेटल है और ऑक्सीजन है, तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए मतलब कि आप ध्यान दीजिए, ये मेटल ऑक्साइड है, ये कोई भी सब्सटेंस है, अब इस सब्सटेंस में से आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, यानी कि ऑक्सीजन को अलग करना है और मेटल को अलग करना है। यानी कि इस मेटल में से ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो इसको कहेंगे अपन रिडक्शन, क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका रिडक्शन कराएंगे, किसका, मेटल ऑक्साइड का, किसके लिए, ऑक्सीजन को अलग करने के लिए। अच्छा, इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऐसे वैसे तो अलग नहीं होगी, कोई अपन पकड़ के थोड़ी अलग कर देंगे इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ऐसा कोई यहाँ पर क्या है कि मतलब अलग एलिमेंट डालना पड़ेगा, उससे रिएक्शन करानी पड़ेगी ताकि वह इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसको खींच ले, ठीक है ना, अलग कर ले, ठीक। तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए, इस ऑक्सीजन को यहाँ से अलग करने के लिए कार्बन से क्या कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है, उसके साथ में इसको बर्निंग कराएंगे। तो बर्निंग कराने पर क्या होगा, एक तरीके से हीट कराने पर क्या होगा कि ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को कैप्चर करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकाल देगा, किसमें बाहर निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जबकि यहाँ पर केवल क्या रह जाएगी, मेटल मेटल रह जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि रिफाइनिंग हो जाती है मेटल की। तो ये तीन स्टेप है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये कॉमन स्टेप है, मतलब एक तरीके से कॉमन मेथड है जिसमें अपन मेटल इसको क्या है कि मेटल ओर्स को उनको मेटल में रिफाइनिंग करते हैं, मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इस ये तो आपको जनरली समझ में आ गया होगा, इसमें तीनों, पहले तीनों स्टेप को समझिए, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर बीच में ला करके डालेंगे ना यहाँ पर तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप एक तरीके से यहाँ पर इसको समझते हुए चलिए। सबसे पहले अपना काम क्या है, देखिए अब इसको दोबारा से बात और भी देखना कि अपन क्या करेंगे, अर्थ क्रस्ट को खोदेंगे, अर्थ क्रस्ट को खोद करके वहाँ से जो भी अपने को मिलेगा उन सभी को ही लेंगे, कंकड़ पत्थर जो भी मिले, है ना, बहुत सारे क्या है कि और भी चीज़ें मिलेगी अपने को, है ना, मेटल्स के सब्सटेंस भी मिलेंगे, मेटल्स के सब्सटेंस भी
और भी मेटल्स के सब्सटेंस आयरन के भी मिल सकते हैं अपने को, क्या है कि कॉपर के भी मिल सकते हैं अपने को, इधर से क्या है कि अदर जो मेटल्स हैं उन सभी के ही भी एक तरीके से मिक्सर फॉर्म में अपने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। मिल गए, अब उनमें से क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल्स के ही सब्सटेंसों को अपन अलग करेंगे। तो पर्टिकुलर मेटल्स के ही सब्सटेंसों को अलग करेंगे तो उनको कहेंगे अपन कोर्स, और उस वर्क को अपन कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। उस कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स से अपने पास में किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल्स के सब्सटेंस आ जाएंगे। उन पर्टिकुलर मेटल्स के सब्सटेंसों को अपन क्या करेंगे, सभी को ही मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट कर, अगर मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, और वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो मेटल ऑक्साइड नहीं है और जो मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट है उनको भी अपन मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड स्टेप ये है। तो मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास में देखो, मेटल ऑक्साइड के लिए तो कोई जरूरत नहीं, वो तो मेटल ऑक्साइड पहले से है ऑलरेडी। अब ये दो चीज़ें रह गई अपने पास में, एक तो मेटल सल्फाइड, एक मेटल कार्बोनेट। तो मेटल सल्फाइडों को इसमें कन्वर्ट कराने के लिए मेटल ऑक्साइड में रोस्टिंग यूज करते हैं, और मेटल कार्बोनेटों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हैं। ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है अभी बात करेंगे, पहले आप इसको देखिए। ये मेटल ऑक्साइड जो अपने पास में आ गए हैं, ठीक है ना, इन मेटल ऑक्साइडों में से अपने को ऑक्सीजन को हटाना होता है, है ना, उसको अलग करना होता है ताकि मेटल क्या हो जाएगी, एक तरीके से रिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराने के लिए अपन कार्बन से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। कार्बन से रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि ये कार्बन इस ऑक्सीजन को कैप्चर करके एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में लेकर के अलग कर देगा, और मेटल अपनी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये तीन स्टेप हैं, ठीक है ना, इनके थ्रू ये किया जाता है। ओके, ये तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का एक शॉर्ट मतलब क्या है कि पार्ट हो गया, ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये दो चीजें अपन ने जो यूज की है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो इनके बारे में बात करते हैं, ये क्या है, ठीक है ना। इनके बारे में देखिए, सबसे पहले अपन रोस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। रोस्टिंग को इसको यूज करते हैं किसके लिए, मेटल सल्फाइडों के लिए, मेटल सल्फाइडों को मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। रोस्टिंग को किसके लिए यूज करते हैं, मेटल सल्फाइडों के लिए मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे कि मतलब कि जो मेटल सल्फाइड हैं फोर्स, उनको अपन क्या करेंगे, एक तरीके से खुली भट्टी में गर्म करेंगे, खुली भट्टी में, जिसमें मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ पर क्या है कि मतलब प्रचुर मात्रा में मिल सके, ठीक है ना। तो इस तरीके की एक मतलब क्या है कि यहाँ पर एक खुली कर्दम होती है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइडों को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, यहाँ ये नीचे हीट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये सारा ही मेटल सल्फाइड क्या है कि गर्म होकर के एक तरीके से पिघलने लग जाएगा, और उसी टाइम पर ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इधर की तरफ बैक करके आ जाएगा, और यहाँ पर अपन इसको स्टोर कर लेंगे। तो यानी कि एक तरीके से खुली जो भट्टी होती है उसमें क्या है कि इनको मेटल सल्फाइडों को गर्म करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। ये तो इसका रोस्टिंग हो गया। अब अपन बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन यूज किया जाता है मेटल कार्बोनेटों के लिए। मेटल कार्बोनेटों में इनको भी वही मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। मगर इसको अपन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क भी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल कार्बोनेटों के पास में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट में ऑलरेडी जब कार्बोनेट जब क्या है कि यहाँ से रिएक्शन के थ्रू टूटेगा, तो टूटने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि इसके पास में ऑलरेडी ही एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इस वजह से यहाँ पर क्या है कि अपने को मतलब कि इस ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको खुली भट्टी में गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बंद भट्टी में गर्म कराएंगे अपन, एक लिमिट ऑक्सीजन की क्वांटिटी में, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से एक बंद भट्टी रखेंगे, ठीक है ना,
और उसमें ही अपन मेटल कार्बोनेट को हीट कराएंगे नीचे से, और उसको एक तरीके से इस तरीके से अपन क्या करेंगे, किसी भी स्टोरेज में ले लेंगे जब वो पिघल करके बाहर निकलेगा। तो यानी कि मेटल कार्बोनेटों को एक तरीके से बंद भट्टी में, है ना, बंद भट्टी में मेटल ऑक्साइडों में कन्वर्ट कराने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपको समझ में आ गया है, इन दोनों को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये तो आपके क्या है कि मतलब एक तरीके से ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो गया, ठीक, मगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आपको और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।